सिलिकॉन का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद होता है जिसे हम जियोलाइट के नाम से जानते हैं। जियोलाइट जो है वो सूक्ष्म सरंध्र एक संरचनात्मक हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज के रूप में जाना जाता है। तो ये सूक्ष्म सरंध्र और संरचनात्मक दृष्टि से ये ठोस रूप में होते हैं। तो इसमें जो SiO2 है उसका एक त्रिविमीय जालक होता है जिसमें सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम के द्वारा रिप्लेस होता है। तो इस प्रकार से पूरा जो एक संरचना है वो एल्यूमिनो सिलिकेट का बनता है। तो वास्तव में ये जो जियोलाइट है ये वर्णात्मक उत्प्रेरक के रूप में भी उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे जल की कठोरता वगैरह दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो सिलिकेट है इसकी संरचना बहुत जटिल होती है। तो इसमें जो सिलिकॉन आयन होते हैं वो एल्यूमिनियम आयन के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। तो Si4+ जो है वो एल्यूमिनियम 3+, दो अलग अलग प्रकार के आयन हम देख रहे हैं यहाँ पे, Si4+ और एल्यूमिनियम 3+, दो अलग अलग आयन हैं, दोनों की संयोजकता अलग अलग है। तो इनकी संयोजकताओं को जब संतुलित किया जाता है तो उसको संतुलित करते समय इसमें कुछ जो धात्विक आयन हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे आयन्स भी आते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो इस प्रकार ये जो जियोलाइट है वो विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाता है। जियोलाइट का जो सूत्र है, सामान्य सूत्र, वो इस प्रकार से लिखा जाता है, MxNAlO2 whole x SiO2 whole y. ZH2O। तो इस प्रकार ये जो संरचना है जिसमें एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है और जल का अणु है और M यहाँ पर धातु आयन के रूप में होता है। तो अलग अलग हम देखेंगे जो M है वो धातु आयन है, N जो है वो धातु धनायन पर जो आवेश है उसको बताता है और Z जल अणुओं की संख्या को बताते हैं। जो धातु धनायन है वो हमने देखा कि संयोजकताओं में जो अंतर आता है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन उसको बैलेंस करने के लिए है। तो उसमें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन आयनों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं आयनों की वजह से ये जो जियोलाइट है इसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो कई सारी अभिक्रियाओं में इसमें उपस्थित जो कैविटी होती है, चैनल होती है, वो हम आगे देखेंगे कैसे बनती है। तो ये जो चैनल्स हैं, कैविटी है, उनकी संरचना और जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनके आधार पर इसका जो उपयोग है जियोलाइट का वो निर्भर करता है। जियोलाइट का जो निर्माण होता है उसमें भाग लेने वाले जो धातु धनायन है, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, ये जियोलाइट में प्रेजेंट जो जलयोजित अणु होते हैं, मतलब जल के अणु जो जुड़े होते हैं और उसमें जल की कठोरता को दूर करने के लिए ये आयन एक्सचेंजर के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। और यहाँ पर जो सिलिकेट आयन के जो 24 यूनिट हैं, तो वो जियोलाइट जब बनता है तो उस समय ये 24 यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक ब्लॉक जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो संरचना बनती है वो घनी अष्टफल की ब्लॉक का रूप ले लेती है जिसे हम बी केज के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार से कई सारे यूनिट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो जियोलाइट की एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। और ये जो ब्लॉक होते हैं यही जब आपस में जुड़ते हैं और कई रिंग इसके जो आपस में जुड़ते हैं उस समय ये 3D और 2D जो जियोलाइट है उसका निर्माण होता है। जब निर्वात में इसे गर्म किया जाता है तो जियोलाइट में जो जल के अणु जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर हटने लगते हैं और ये निर्जली हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ पर जियोलाइट में जो जल के अणु थे वो जल के अणु हट जाते हैं और उन जगहों पर रंध्र बन जाता है। और इसी वजह से ये सरंध्र हो जाते हैं, मतलब इसमें ये रंध्रयुक्त एक ठोस संरचना का रूप ले लेते हैं। और इसी रंध्रयुक्त ठोस संरचना के कारण ही इसका प्रयोग उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। वास्तव में जो जियोलाइट है वो एक पिंजरे जैसी संरचना होती है। इसमें जो पिंजरे जैसी संरचना है इसमें कई सारे रंध्र होते हैं और इसमें जो रंध्रों का आकार होता है वो 200 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक का होता है और ये चेंज भी हो सकते हैं, इनके बीच में इनके आकार का मान जो है वो बदल भी सकता है। और इसी आकार की विशिष्टता के कारण
इसका प्रयोग अलग अलग अभिकारकों में, अलग अलग अभिक्रियाओं में, जो रंध्र की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो रिएक्शन होता है या जो अणु है वो अवशोषित होंगे इन्हीं रंध्रों के आकार के आधार पर। तो यदि अभिकारक अणु अधिक बड़े आकार के होते हैं तो वो इन रंध्रों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और यदि छोटे आकार के होंगे तो ये रंध्रों से फिसल जाते हैं। तो इस वजह से ये जियोलाइट को आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि यदि अभिकार अणु का आकार बड़ा होगा तो वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा रंध्र में, और छोटा होगा तो वो रंध्र से आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर जियोलाइट बहुत ही स्पेशल तरह का एक आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जो महत्वपूर्ण एक जियोलाइट है जिसका प्रयोग प्रायः किया जाता है वो है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जियोलाइट। इसमें जो सरल हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको तो यह अवशोषित कर लेता है, क्योंकि उसके अणु इनके रंध्रों के साथ ठीक ठीक एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ छोटे आकार होते हैं शाखित हाइड्रोकार्बन के उसका, और जो बड़े आकार के कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इनके रंध्रों में ठीक ठीक समायोजित या एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट प्रकार का जियोलाइट होता है वो सरल प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक है उनके लिए ये एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। जियोलाइट का जो प्रयोग है, इनकी संरचना इसे बहुत स्पेशल बनाती है। इसे हमने जैसा देखा आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक है, तो जियोलाइट का प्रयोग कई बार आयन विनिमय विधि के द्वारा जल के शुद्धिकरण में इस जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, गैसों को पृथक करने में। तो जियोलाइट की संरचना जैसा हमने देखा कि ये सरंध्र होते हैं, तो कई प्राकृतिक गैस जो हैं जिसमें कि H2O, CO2, SO2 ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको पृथक करने के लिए भी जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो अणु हैं वो आसानी से अवशोषित हो सकते हैं उस, लेकिन जो अभिकारक अणु का आकार है और जो इस जियोलाइट का जो रंध्र है उनके बीच में ठीक से एडजस्टमेंट होना चाहिए, तो उस आधार पर गैसों का पृथक्करण भी यहाँ पर हो सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण इसका उपयोग है वो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। तो जो कृत्रिम जियोलाइट होते हैं उसका प्रयोग बहुत सारे पेट्रोकेमिकल उद्योगों में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कई सारे जो हाइड्रोकार्बन हैं उनके विखंडन में, उसको सरल हाइड्रोकार्बन में तोड़ने में भी जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में भी जियोलाइट का प्रयोग होता है, प्रायः भूमि को उपचारित करने में, जब भूमि में अम्लता या क्षारीता का मान बढ़ जाता है उसको सही तरीके से उपचार देने के लिए भी जो प्राकृतिक जियोलाइट है उनका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत उपयोग है, क्योंकि जियोलाइट पर आधारित ऑक्सीजन सांद्रण तंत्र से चिकित्सकीय क्षेत्र में प्रयोग आने वाला जो चिकित्सकीय ग्रेड का ऑक्सीजन है, यानी जो ऑक्सीजन गैस जिसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में जिसे प्रयोग में लाते हैं, उस तरह से ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए भी जियोलाइट की आवश्यकता होती है। पी ब्लॉक से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। TlCl3 की तुलना में BCl3 के उच्च स्थायित्व को आप कैसे समझाएंगे? तो यहाँ पर जो Tl और B है दोनों के क्लोराइड की चर्चा करना है, तो यहाँ पर दोनों के आकार के आधार पर इस प्रश्न को हम समझेंगे। बोरॉन परमाणु की उपस्थिति में अक्रिय युग्म प्रभाव नगण्य होता है। इसमें जो तीनों संयोजी इलेक्ट्रॉन 2s2, 2px1 में प्रेजेंट है, तो क्लोरीन परमाणुओं के साथ आबंधन के लिए ये उपलब्ध होते हैं, इसलिए जो BCl3 है वो स्थायी होगा, क्योंकि इसमें तीनों संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधन के लिए उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर Tl थैलियम की स्थिति में जो संयोजी s इलेक्ट्रॉन है अर्थात 6s2, ये बहुत अधिक अक्रिय युग्म प्रभाव का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण यानी 6s के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो केवल संयोजी p इलेक्ट्रॉन ही बंधन के लिए उपलब्ध होते हैं। तो TlCl बहुत अधिक स्थायी होता है, लेकिन TlCl3 कम स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होगी +3 की तुलना में। अगला प्रश्न है, क्या बोरिक अम्ल प्रोटोनी अम्ल है?
बोरिक अम्ल प्रोटोनी अम्ल नहीं होता है, ये एक लुईस अम्ल होता है। H2O अणु के हाइड्रोक्सिल आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म को ये ग्रहण कर लेते हैं, अतः यह प्रोटोनी अम्ल होते हैं। BOH होल ट्राइस प्लस 2OH इज इक्वल टू BOH होल 4 और ब्रैकेट क्लोज करके माइनस चार्ज है, तो यहाँ टेट्राहाइड्रोक्सो बोरेट आयन बनता है प्लस H3O प्लस बनता है। तो ये चूंकि जल से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और प्रोटोनी अम्ल नहीं बल्कि लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है BCl3 एवं CCl4 यौगिकों का उदाहरण देते हुए जल के प्रति इनके व्यवहार को समझाइए। BCl3 में बोरॉन परमाणु में अपूर्ण अष्टक और असंकरित 2p कक्षक होता है जो कि योगात्मक उत्पाद बनाने के लिए H2O से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है और जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन परमाणु OH समूह से विस्थापित हो जाते हैं और अन्य दो जो क्लोरीन परमाणु हैं वे भी OH समूहों द्वारा विस्थापित होंगे। BCl3 में जो बोरॉन परमाणु है वो sp2 संकरित है। बोरॉन परमाणु में अपूर्ण अष्टक और असंकरित 2p कक्षक होता है। योगात्मक उत्पाद बनाने के लिए H2O अणु से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, जैसे BCl3 जब H2O से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तो यहाँ पर HCl माइनस होगा और इस तरह एक योगात्मक उत्पाद बनता है ClBOH, फिर B से एक और Cl जुड़ा हुआ है और जल से अभिक्रिया करके जो Cl परमाणु है वो OH द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और अन्य जो दो Cl परमाणु है वह भी OH समूहों द्वारा विस्थापित होंगे। तो अगला रिएक्शन होगा B के साथ जुड़ा हुआ जो दो Cl है और B के साथ जुड़ा हुआ एक OH है, इसकी क्रिया दो जल के अणु से कराते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दो Cl को OH से रिप्लेस कराना है तो दो HCl यहाँ पर माइनस होगा और तीनों OH जो है वो बोरॉन से जुड़ जाते हैं। CCl4 के साथ ये संभव नहीं होता है क्योंकि कार्बन परमाणु में अष्टक पूर्ण होता है और H2 अणुओं के साथ योगात्मक उत्पाद बनाने की कोई संभावना यहाँ नहीं होती है क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण होता है। अगला हम देखेंगे जो प्रश्न है BF3 और BH4- की आकृति। तो इसकी आकृति को समझने के पहले हमें इसके संकरण को जानना होगा। BF3 में जो संकरण है वो वास्तव में sp2 संकरण होता है और इस संकरण के कारण इसकी जो संरचना है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है। यदि हम इसे संकरण को ज्ञात करना चाहें तो चूंकि बोरॉन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 × 3 फ्लोरीन के लिए और 3 बोरॉन का, तो इस तरह से कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 24। जब यह मान 8 या 8 से ज्यादा होता है तो हम इसे 8 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 8 से भाग देने पर 3 मान आएगा, एक S का और 2 P का। तो इस प्रकार हम इसके संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। वहीं BH4- के लिए जब हम संकरण ज्ञात करेंगे तो बोरॉन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 × 4 और चूंकि ऊपर एक माइनस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है तो +1। तो यहाँ पर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8। जब यह मान 8 या 8 से कम होता है तो हम 2 से भाग देते हैं तो ये मान आता है 4, तो एक S का और 3 P का। तो यहाँ जो संकरण है वो है sp3 संकरण। तो BH4- की जो आकृति होगी वह चतुष्फल की होगी और BF3 की जो आकृति है वो त्रिकोणीय समतली होती है। तो BF3 का अणु sp2 संकरित होता है जबकि BH4- आयन sp3 संकरित है। BF3 में बोरॉन के 3 सिग्मा बॉन्ड
बनाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि BH4- पे बोरॉन 4 सिग्मा बंध बना रहा है। तो BF3 की आकृति त्रिकोणीय समतली होगी और BH4- की आकृति समचतुष्फल की होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? क्या BCl3 तथा SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें अणुओं में उपस्थित जो केंद्रीय परमाणु है उनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, इसे हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या इसे हम लुईस अम्ल भी कह सकते हैं। BCl3 और SiCl4 दोनों ही इलेक्ट्रॉन न्यून हैं, क्योंकि बोरॉन परमाणु में एक रिक्त 2p कक्षक होता है और सिलिकॉन परमाणु में रिक्त 3d कक्षक होता है। तो दोनों में ही चूंकि रिक्त कक्षक उपस्थित है तो वे दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता जो स्पीशीज होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, लेड सेकेंड क्लोराइड क्लोरीन से क्रिया करके लेड टेट्राक्लोराइड देता है। लेड की +2 ऑक्सीकरण अवस्था लेड 2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था लेड 4 की अपेक्षा ज्यादा स्थायी होती है, तो इसलिए ये लेड 4 क्लोराइड नहीं बनाता है। PbCl2 +Cl2 PbCl4। तो ये ऊष्मा के प्रति जो लेड टेट्राक्लोराइड है वो अत्यधिक अस्थायी होता है। तो चूंकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था लेड की ज्यादा स्थायी होती है तो PbCl2 जो यौगिक है वो ज्यादा स्थायी होता है। Pb4 क्लोराइड ऊष्मा के प्रति अत्यधिक अस्थायी होता है, क्यों? Pb की सेकेंड ऑक्सीकरण अवस्था फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। Pb4 क्लोराइड ऊष्मा के प्रति अस्थायी होता है और गर्म करने पर यह विघटित होता है और लेड सेकेंड क्लोराइड बनाता है। PbCl4 ऊष्मा की उपस्थिति में PbCl2 +Cl2 में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, PbI4 नहीं बनाता। प्रबल अपचायक होने के कारण I- आयोडाइड आयन विलयन में Pb4 प्लस आयन को Pb2 प्लस आयन में अपचयित कर देता है, जिससे PbI4 नहीं बन पाता है बल्कि PbI2 बनता है। तो Pb4 प्लस +2I- Pb2 +I2। तो लेड 4 से लेड सेकेंड आयन यहाँ पे बना है। अगला प्रश्न है, निर्जलीय HF में AlF3 अविलेय है परंतु NaF मिलाने पर घुल जाता है। गैसीय BF3 को प्रवाहित करने पर जो परिणामी विलयन में से AlF3 है वह अवक्षेपित हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? AlF3 अपनी सहसंयोजी प्रकृति के कारण निर्जल HF में अघुलनशील होता है, किंतु सोडियम क्लोराइड के साथ जब यह क्रिया करता है तो एक जटिल यौगिक बनाता है और यह जटिल यौगिक जल में घुल जाता है। AlF3 +NaF Na+AlF4 ब्रैकेट क्लोज करके -4, तो एक संकुल यहाँ पर बना है। जब BF3 की वाष्प को जलीय विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो ये संकुल टूट जाता है या हम इसे विदलित हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। AlF3 पुनः अवक्षेपित हो जाता है, तो इस प्रकार NaAlF4 यहाँ -4, यदि हम आयन्स के रूप में लेंगे तो Na+ और AlF4 माइनस रूप में है, प्लस BF3 AlF3 +Na+ BF4 माइनस। तो यहाँ पर ये अवक्षेपित हो गया सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन के रूप में। सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र द्वारा किया जा सकता है, क्यों? सांद्र नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके Al2O3 बनाता है जो पात्र के अंदर ही एक रक्षी आवरण बना लेता है और धातु निष्क्रिय हो जाती है और अम्ल के साथ आगे यह कोई अभिक्रिया नहीं करती है।
इस अम्ल को एल्युमिनियम के पात्र में सुरक्षा पूर्वक रखा जा सकता है। तो इसलिए सांद्र HNO3 का परिवहन एल्युमिनियम के पात्र द्वारा किया जा सकता है। तो चूंकि ये रिएक्शन के रूप में हम जब इसे देखते हैं तो Al2O3 बनता है, तो ये रिएक्शन इस प्रकार से होगा, 2Al plus 6HNO3 is equal to Al2O3 plus 6NO2 plus 3H2O। अगला प्रश्न है, तनु NaOH तथा एल्यूमिनियम के टुकड़ों के मिश्रण का प्रयोग अपवाहिका खोलने में किया जाता है, क्यों? NaOH और एल्यूमिनियम की क्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और इसके उच्च दाब के कारण अपवाहिका जो है वो खुल जाती है। तो इस रिएक्शन को देखिए, 2Al plus 2NaOH plus 6H2O is equal to 2Na plus AlOH whole 4 minus charge। तो इस तरह से एक संकुल बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। तो इसी उच्च दाब के कारण, इस हाइड्रोजन गैस के निकलने के कारण यहाँ उच्च दाब उत्पन्न होता है और इस वजह से ये अपवाहिका खुल जाती है। अगला प्रश्न है, जल को एल्यूमिनियम के पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए, इसका क्या कारण है? तो एल्यूमिनियम के पात्र में जल को रखने पर जल के संपर्क में जब ये रिएक्ट होते हैं तो Al2O3 बना लेता है, जो कुछ मात्रा में जल में विलेय होकर Al3 प्लस आयन देते हैं और ये आयन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और इसी वजह से जल को पूरी रात एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रखना चाहिए। रिएक्शन इसका होगा 2Al plus O2 plus H2O is equal to Al2O3 plus H2। अगला प्रश्न है, संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार का प्रयोग होता है, क्यों? एल्यूमिनियम उच्च यांत्रिक सामर्थ्य युक्त विद्युत का सुचालक धातु होता है। भार के आधार पर यह कॉपर की तुलना में दुगनी विद्युत का संचरण करता है। इसके तार का प्रयोग संचरण केबल बनाने में किया जाता है। वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग होता है, क्यों? एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातुएं हैं जिसमें मैग्नीलियम, ड्यूरेलियम, ये दोनों में लगभग 95% पार्ट धातु होती है। वायुयान के ढांचे में इसे प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये दोनों ही हल्की, कठोर और संचारण रोधी होती है। तो इसी गुण के कारण इसका प्रयोग जो है वायुयान में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन ग्रेफाइट जैसे अपरूप में क्यों नहीं पाया जाता है? कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है जब, तो जो असंकरित 2pz कक्षक के बीच में पी पाई बंध बन सकता है। तो ग्रेफाइट की संरचना में हम इसी प्रकार की संरचना देखते हैं कि एक परत में कई सारे जो षटकोणीय रिंग होते हैं वो जुड़कर परतीय संरचना देते हुए ग्रेफाइट के रूप में रह सकते हैं। तो एक परत एक हेक्सागोनल रिंग का और फिर दूसरा एक परत होता है। तो यहाँ पर 2pz प्रत्येक जो असंकरित कक्षक है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पी पाई बॉन्डिंग हो जाता है। तो इस प्रकार ये ग्रेफाइट की संरचना होती है। लेकिन सिलिकॉन में sp2 संकरित यदि संरचना होती तो भी असंकरित 3pz कक्षकों के बीच में पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाता, क्योंकि सिलिकॉन का आकार बड़ा होता है और नाभिक पर अधिक आवेश होता है। तो 3pz कक्षकों का यहाँ पर पार्श्व अतिव्यापन नहीं हो पाता है। तो सिलिकॉन sp3 संकरण देता है और हीरे जैसी संरचना स्थापित कर सकता है, परंतु ग्रेफाइट जैसी संरचना स्थापित नहीं कर पाता है क्योंकि सिलिकॉन का आकार बड़ा होगा तो उसमें 3pz कक्षकों के बीच जो पार्श्वी अतिव्यापन है वो नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, ट्राइसिलेमीन यानी SiH3 होल थ्राइस N की तुलना में CH3 होल थ्राइस N अधिक क्षारीय होता है, क्यों? तो SiH3 होल 3N की जो आकृति है वो समतली होती है। सिलिकॉन का रिक्त 3D ऑर्बिटल नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त 2pz ऑर्बिटल के साथ dpi pi बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर
जो SiS3 होल थ्राइस n है उसमें ऐसा एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है जिसके कारण इसकी क्षारकता हो। तो इसलिए ट्राइसेलिल जो एमीन है इसकी क्षारकता ट्राइमिथाइल एमीन की तुलना में कम होती है, क्योंकि ट्राइमिथाइल एमीन में नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है जो दूसरों को देता है और ये क्षारी गुण अधिक प्रदर्शित करने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैले होने का एक कारण आप बताइए। तो यहाँ हम देखते हैं कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अधिक विषैली होती है और के विषैले होने के कारण रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति के कारण ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अंदर खींची गई ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने में बाधा उत्पन्न करता है और इससे दम घुटने लगता है और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन प्लस CO इज इक्वल टू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इससे हम समझ सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की रक्त परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। बोरॉन एवं सिलिकॉन के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है। बोरॉन 13वें समूह का सदस्य है और अपने ही अगले आवर्त यानी 14वें समूह के सदस्य सिलिकॉन के साथ ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो इसके समान हैं, इसको हम देखेंगे। बोरॉन एवं सिलिकॉन दोनों प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, केवल ये ऑक्सी यौगिकों के रूप में ही पाए जाते हैं, जैसे बोरॉन बोरेट के रूप में और सिलिकॉन सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। दोनों अधातु हैं तथा अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। दोनों के गलनांक उच्च होते हैं। दोनों विद्युत के कुचालक हैं। बोरॉन एवं सिलिकॉन दोनों ही धनायन नहीं बनाते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन दोनों के ऑक्साइड को मैग्नीशियम के द्वारा अपचयन करके प्राप्त किया जा सकता है। B2O3 plus 3Mg is equal to 3MgO plus 2B. SiO2 plus 2Mg is equal to Si plus 2MgO. बोरॉन एवं सिलिकॉन दोनों कई प्रकार के सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं और इनके हाइड्राइडों में भी गुणों में समानता देखने को मिलती है, जैसे बोरोइथेन सिलिकोइथेन, बोरोब्यूटेन सिलिकोब्यूटेन। बोरॉन एवं सिलिकॉन के हैलाइड जल अपघटित हो जाते हैं। बोरॉन एवं सिलिकॉन दोनों ही उच्च ताप पर नाइट्रोजन के साथ संयोग करते हैं और करके ये नाइट्राइड बना सकते हैं, जैसे 2B plus N2 is equal to 2BN और सिलिकॉन नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो Si plus 2N2 is equal to SiN4। दोनों कार्बन के साथ उच्च ताप पर कार्बाइड बनाते हैं और दोनों ही कठोर होते हैं और दोनों का प्रयोग कांच काटने में किया जा सकता है। कुछ इस तरह के भी प्रश्न होते हैं कि यदि एक लवण है जो निम्न परिणाम देता है, तो आपको यहाँ पर लवण को पहचानना होगा। जैसे यदि X लवण है जो निम्न परिणाम देते हैं, तो इसमें पहला दिया है इसका जली विलयन लिटमस के प्रति क्षारी होता है, तीव्र गर्म किए जाने पर कांच के समान ठोस में बदल जाता है। तीसरा है जब X के गर्म विलयन में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो एक अम्ल Z का श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में आपको X, Y और Z ये तीनों ही पहचानना है, कुछ लक्षण दिए हुए हैं। तो यहाँ हमें समझना है कि चूंकि ये गर्म करने पर एक कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित होता है, अर्थात ये बोरेक्स है, तो बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O, तो X यहाँ पर बोरेक्स होगा। बोरेक्स के जलीय विलयन को हम देख रहे हैं कि क्षारी प्रकृति का होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है।
तो इसके रिएक्शन को हम लिख सकते हैं Na2B4O7 plus 7H2O is equal to 4H3BO3 plus 2NaOH. तो H3BO3 जो बोरिक अम्ल है वो ये दुर्बल अम्ल होता है और NaOH यहाँ पर प्रबल क्षार की तरह कार्य करता है। बोरेक्स को जब सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बोरिक अम्ल बनता है और एक सफ़ेद क्रिस्टल Z के रूप में प्राप्त होता है। तो Na2B4O7 plus H2SO4 plus 5H2 is equal to sodium sulfate plus H3BO3. तो ये Z प्राप्त हुआ H3BO3 का, Y के रूप में प्राप्त होता है Na2B4O7, क्योंकि इसमें से जल कणु निकल गया है पूरा, तो ये यहाँ पर जल के अणु को त्याग करके एक क्रिस्टल जैसी ठोस संरचना में परिवर्तित हो गया। और चूंकि स्टार्टिंग जो इसका मटेरियल है वो है X, जिसे हम बोरेक्स के नाम से जानते हैं, Na2B4O7.10H2O। तो इस तरह से प्रश्न में जिसमें X लवण को पहचानने के लिए और X लवण की विभिन्न अभिक्रियाओं को दिया गया है और उसमें Y और Z को पहचानने के लिए भी आ सकता है।